हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आप सबको पता होगा कि हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट कैन कम इन गेट बीटी 2023। गेट बीटी 2023 के एग्ज़ाम के अंदर आने वाले प्रोबेबल टॉपिक्स जो कि हर चैप्टर्स एक ईच चैप्टर के अंदर जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम एक सीरीज़ बना रहे हैं। इस सिलसिले में हमने बायोकेमिस्ट्री की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आज का जो टॉपिक है उसी सीरीज़ का है जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं कि माइक्रोबायोलॉजी। आपने देखा होगा जनरल जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं जिसमें पहला था बायोकेमिस्ट्री, हमने आपको बता दिया। दूसरा जो है वो आपका है माइक्रोबायोलॉजी। तो आइए आज देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, विच आर द मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स इन माइक्रोबायोलॉजी, आज इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करता जा रहा हूँ, आप कम से कम उन चीज़ों को ज़रूर 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 पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया के बारे में, देखिए ज़्यादातर जो क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर आते हैं वो आपके बैक्टीरिया के ऊपर पूछे जाते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बैक्टीरिया में भी बात करूं तो अक्सर बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो फ्लैजेला के बारे में क्वेश्चन आता है, सीलिया के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जो होल्डिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि पिलाई, इनके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर मैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखूं तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट यानी कि बैक्टीरिया किस तरीके का दिखता है, उसके अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, उसके मूवमेंट कैसे होता है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, फ्लैजेला सीलिया ये हो गया, और वहाँ पे आपको पता है राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम्स, इसके अलावा मीजोसोम्स ये क्या होते हैं। तो इतनी बातें जो हैं वो स्ट्रक्चर से मैंने देखा है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेगुलरली। इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 स्ट्रक्चर्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेजरली बैक्टीरिया से ज़्यादातर क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी में उठते हैं, ठीक है। एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन देखा है मैंने जिसमें कि अक्सर कुछ डिफरेंसेस के बारे में पूछ लिया जाता है, कि जैसे कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बेसिस पे जो डिफरेंसेस हैं इनको ज़रूर ध्यान से देख करके जाइएगा। डिफरेंसेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनिल जो है वो यूकैरियोट के अंदर सारे ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर ऑर्गेनिल्स नहीं पाए जाते, तो बहुत बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ हिस्टोन के लेवल पे तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। मीजोसोम्स की बात करूँ तो क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस की बात करूँ, क्रेब्स साइकिल की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करूँ, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कहाँ होगा, यूकैरियोट्स के अंदर कहाँ पर होगा। इस तरीके के कुछ पॉइंट्स जो हैं जिनको हम डिफरेंसेस के अंदर रख रहे हैं, ये बात ध्यान से रखिएगा, समझ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं तो स्टेनिंग के ऊपर क्वेश्चंस देखे जाते हैं। स्टेनिंग का मतलब क्या हो गया, अब आपने पढ़ा भी होगा कि स्टेनिंग जो है वो कई तरीके की होती है। इसमें से दो मेन जो स्टेनिंग के टाइप्स हैं अगर मैं उनके बारे में बात करूँ तो आपकी एक है एसिड फास्ट स्टेनिंग, और दूसरी स्टेनिंग जो है वो ग्राम स्टेनिंग है, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों स्टेनिंग का प्रोसेस क्या होता है और प्रिंसिपल क्या होता है,
और अगर हम कहें तो मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपको इसका स्टेनिंग से यहाँ का इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं बात करूँ अगर काइनेटिक्स के बारे में, बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपको पता होगा। यहाँ पे मेजरली आपका एक फॉर्मूला लगता है, एन टी इज इक्वल्स टू एन ओ इन टू 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 द पावर एन, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवा भी रखे हैं, न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो है आपको मिल भी जाएगा, प्लेलिस्ट के अंदर सर्च करिएगा तो वहाँ पे इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मैंने बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर करा रखे हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे देखा जाता है। ठीक, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है डबलिंग टाइम का, डबलिंग टाइम का ये भी देख लीजिएगा। ये दोनों पोर्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम बैक्टीरिया के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अगर देखा जाए, क्लासिफिकेशन जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे हम लोगों ने चार पॉइंट्स कवर कर लिए थे, फिफ्थ पॉइंट यहाँ से लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अगर मुझे क्लासिफिकेशन देखना होगा तो क्लासिफिकेशन से क्या मतलब है। क्लासिफिकेशन से मेरा सिंपल सा मतलब है कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स या कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ये मैं वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स या फोटो लीथो, इस तरीके से जो एक कॉम्प्लिकेटेड सा नाम आपको मिलता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो लीथोट्रॉफ्स, कीमो लीथोट्रॉफ्स, हीटरोट्रॉफ्स, इन सब का मतलब क्या होता है, कार्बन सोर्स यहाँ पे क्या है, एनर्जी का सोर्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो नामकरण है या जो नेमिंग है वो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स है और एनर्जी का सोर्स है। तो किस केस में क्या यूज़ किया गया है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि वो नाम इसका है ऐसा। ठीक, तो ये डिस्कस हो गया। सिक्स पॉइंट है जो डिफरेंट कंडीशंस में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, जैसे कि कंडीशंस में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर या सॉल्ट कंडीशंस के बारे में, टेम्परेचर या सॉल्ट कंडीशंस के बारे में, जैसे कि कम टेम्परेचर होता है तो साइक्रोफाइल्स बोलते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर में रह सकते हैं मीजोफाइल्स बोलते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं थर्मोफाइल्स बोलते हैं। तो फाइल्स मतलब क्या हो गया, बेसिकली फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मीडियम इंटरमीडिएट टेम्परेचर, सॉल्ट कंसनट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन को हेलोफाइल्स, इस तरीके का कुछ, किसको क्या बोलते हैं इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस आपके मीडिया से, मतलब डिफरेंशियल मीडिया कौन सा है, डिफरेंशियल मीडिया या स्पेशलाइज्ड मीडिया या जनरल मीडिया, ये सब क्या क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये पता आपको होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाइए, कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं माइकोप्लाज्मा के ऊपर, तो बहुत डेप्थ में नहीं, माइकोप्लाज्मा का एक ब्रीफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। तो माइकोप्लाज्मा आपको पता है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, यहाँ पे सेल वॉल पाई नहीं जाती, तो किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर ये ले लेता है, बैक्टीरिया से भी आपका ये छोटा है साइज में, ये भी पता होना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट,
अब आपको पता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं, जैसे कि साइनो बैक्टीरिया हो गया, जिसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ये बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने की वजह इनके अंदर पाया जाने वाला बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो इसके फीचर्स आपके दिमाग में होने चाहिए, बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, ये सारी बातचीत आपको पता होनी चाहिए। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आर्की बैक्टीरिया का, आर्किया या आर्की बैक्टीरिया का। आपको पता है कि आर्किया या आर्की बैक्टीरिया जो है वो आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं। क्या वजह है कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो कर पा रहे हैं, और वो यू बैक्टीरिया से किस तरीके से अलग है, यू बैक्टीरिया। अब आपको पता है कि यू बैक्टीरिया जो है वो मॉडर्न बैक्टीरिया होते हैं, आर्किया जो है वो बहुत पहले के बैक्टीरिया हैं, और किस तरीके से वो ग्रो करते हैं बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे या हाई सॉल्ट कंडीशंस पे, क्या वजह है किस तरीके से ग्रो करते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, बैक्टीरियल जेनेटिक्स। अब चाहे तो आप इसको जेनेटिक्स में पढ़ लीजिए, चाहे आप इसको यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लीजिए, बैक्टीरियल जेनेटिक्स में खासकर कंजुगेशन से, ट्रांसडक्शन से, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोल क्वेश्चन का वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि अगर कोई एक बैक्टीरिया जो है वो कंजुगेशन कर रहा है दूसरे बैक्टीरिया के साथ, और आपने वो जो उनका कंजुगेशन ट्यूब होता है वो थोड़ी देर बाद ब्रेक कर दिया, आपको दूसरे बैक्टीरिया के अंदर इस तरीके के जीन्स नज़र आ रहे हैं, तो आप सीक्वेंस बता दीजिए कि जीन्स का सीक्वेंस क्या होगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस बैक्टीरियल जेनेटिक्स में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, या बैक्टीरियल जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन इसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ तो टॉक्सिन्स के ऊपर मैंने यहाँ से क्वेश्चंस देखे हुए हैं। टॉक्सिन्स में आपको पता होना चाहिए डिप्थीरिया टॉक्सिन, टॉक्सिन के बारे में, पर्ट्यूसिस के बारे में, बॉट्यूलिनम के बारे में, टिटनस के बारे में, ये पता होना चाहिए, इतनी बातचीत। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने देखा कि बैक्टीरिया के केस में क्या सिनेरियो है। अगर मैं इसके अलावा दो तीन पॉइंट और बस मुझे बताने हैं, ज़्यादातर चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो इसके बाद आपका वायरस के ऊपर आजकल क्योंकि ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है वायरस, तो वायरस में जो उसका स्ट्रक्चर है ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका जीनोम जो है ये इसके बारे में पता होना चाहिए, और बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, वायरस हो गया। और ख़ासकर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कोरोना के बारे में पता होना चाहिए ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उनका मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन जो है एंटीबायोटिक्स का पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और डिजीज़ जो मेन डिजीज़ हैं, मेन डिजीज़ हैं, उनके पैथोजेंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग, तो उसमें क्या मेंशन रहता है, मैच द फॉलोइंग में डिजीज़ का नाम होगा, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा, या पैथोजन के साथ साथ इसका जो वेक्टर है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे सी सी फ्लाई है ना, जैसे फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो है, इन सब के बारे में वेक्टर क्या है किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन का, वो पता होना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपके गेट के सिलेबस में दी हुई है इसी के अंदर, नाइट्रोजन, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पूरा पोर्शन है वो इसी के अंदर दिया हुआ है,
तो ये पढ़ना ना भूलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इतने पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं मैंने बता दिया कि इतनी मोटी मोटे तौर पे आपको इतना अच्छा आइडिया अगर हो जाएगा तो ये कुछ बातें हैं, इसमें अपना काम चल जाना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ ये पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट देख लीजिएगा, फिर ये पॉइंट्स आ जाइए, सॉरी यहाँ पे आ जाइए, और फिर यहाँ तक हम लोगों ने 12 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। इसको अगर मैं कहूँ तो ये 13 कह दीजिए, ये 14 कह दीजिए, ये 15 कह दीजिए और ये 16 कह दीजिए। तो इतने पॉइंट्स हैं जो आपको माइक्रोबायोलॉजी में कम से कम देख करके जाने हैं, इससे आपका माइक्रोबायोलॉजी कम से कम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, और इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। हम गेट के पूरे सिलेबस को एनालाइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि आप हाई यील्डिंग टॉपिक्स को कम समय में कवर करके मैक्सिमम स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।